फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग सीएचएसएल 25 मार्च का शिफ्ट वन का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन और अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो है हॉकी। उसी तरह हम और सब जो नेबरिंग कंट्री है उसका भी नेशनल गेम दे दिए हैं, जैसे कि भूटान। भूटान का क्या नेशनल गेम है? वो है आर्चरी, तीरंदाज। उसी तरह म्यांमार का नेशनल गेम क्या है? केन बॉल, या उसको चिलोन भी बोलते हैं। श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है? वॉलीबॉल। बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है? कबड्डी, ठीक है। और नेपाल का नेशनल गेम क्या है? वॉलीबॉल नेशनल गेम है। इसलिए डांडियो भाई नेशनल गेम को माना जाता है, मगर अब वॉलीबॉल हो गया है, ठीक है। चाइना का क्या है? टेबल टेनिस है। उसी तरह न्यूजीलैंड का देख लीजिए, नॉर्वे, पाकिस्तान का तो ये होगी आप लोग देख ही लिए, उसी तरह न्यूजीनिया का भी देख लीजिए। सारा नेबरिंग कंट्री का भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज लिमिट ऑफ अटल पेंशन योजना 18 साल से 40 साल तक है, 18 मिनिमम है और 40 मैक्सिमम है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि माचकुंड डैम जो है वो किस दो स्टेट के बीच में लोकेटेड है? तो वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बॉर्डर पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी से ये 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो MGH होता है, और एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए कि मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और 9.8, इसी तरह वैल्यू दिया रहेगा आपको पुट करके फॉर्मूला में, इसका क्वेश्चन निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट इज विच टाइप ऑफ वेव। तो लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, उसी तरह जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि साउंड क्या नेक्स्ट शिफ्ट में कि साउंड कौन सा वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट अटैक इंडिया इन देवागिरी में अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल एथलीट ऑफ IAF अवार्ड। देखिए इनको मेल एथलीट्स का सबसे बेस्ट अवार्ड मिला, किसको मिला था? यूसेन बोल्ट जो जमैका के हैं, ठीक है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू जाइलम और फाइलम के लिए होता है। तो फाइलम किसके लिए होता है? फूड के लिए। और जाइलम किस लिए होता है? वाटर प्लांट में पहुंचाने के लिए ये होता है। कल फॉयलम से क्वेश्चन आया था, आज जाइलम फाइलम दोनों से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया है, तो आगे भी आ सकता है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू संस्कृति महोत्सव से एक क्वेश्चन, ये पता नहीं, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भी भूलिए। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन एक आया है, तो 5 का अधिक क्यूब कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, उसी तरह 7 का क्यूब कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफर्वेसेंट इसका जो है ना सिनोनिम्स पूछा गया है, तो आप सब देख लीजिए, बॉयंट देख लीजिए, फोमी देख लीजिए, फोमिंग देख लीजिए, जितना भी है ये इसका सिनोनिम्स देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।